लॉकडाउन 4 चल रहा है लेकिन मजदूरों के जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई कोलकाता हाईवे पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ऐसे लगातार ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन ट्रकों में मजदूर बैठकर अपने गांव जाना चाह रहे हैं। कुछ मजदूर हैं, कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद। कहाँ काम करते थे? हम लोग मुंबई कुलावासा सुंडोक। हाँ, मैं भी दादर में काम करता था, सिवड़ी में। अच्छा, ये ट्रक में बैठकर कहाँ जा रहे हो? अभी मैं मुर्शिदाबाद जाएगा, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। मुंबई से? मुंबई से डायरेक्ट मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने का कोई व्यवस्था तो दिया नहीं, जो रास्ते में खाना पीना दे रहे वही हम लोग खाते खाते आ रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे एक भी छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत मिल रहा था, खाना चावल पानी मिल रहा था, खाना चावल मिल रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ अभी तक नहीं मिला है। हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं है। तो ये सरकार भेज रही है कि आप अपने से व्यवस्था करिए? हम लोग व्यवस्था किया है। कितना एक आदमी? एक एक पाँच पाँच हजार। पाँच पाँच हजार। ये देख सकते हैं कि ये ट्रक में जो है ये लोग बैठ कर फिलहाल यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। पाँच पाँच हजार रुपये जो है इन लोगों ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जो है ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ट्रक में ये लोगों ने अपना सामान जो है लादा और उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये ट्रकों में जो है ये लोग इस तरह से बैठे हुए हैं और ऊपर यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, अपने सामानों को रखा हुआ है। एक व्यक्ति ने पाँच पाँच हजार रुपये इकट्ठे किए और मुंबई से कोलकाता के लिए ये लोग निकले हुए हैं। तो रास्ते में ही इन लोगों से मुलाकात हो गई, ये लोग यहाँ पर रुके हुए थे। तो हमने पूछा कि इनसे आखिर पूछ लें कि सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोगों ने अपने से पाँच पाँच हज़ार रुपये इकट्ठे किए और उसके बाद ये ट्रक बुक किया और कोलकाता के सफ़र पर निकले हुए हैं। ऐसा ही एक ट्रक और यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ है और यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो हैं, उनसे भी पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हो आप लोग? बहुत पैसा है? नहीं सर, पैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, भाड़ा गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा। ये सब गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा घर से? ड्राइवर हो? मैं ड्राइवर नहीं है, हम लोग एक साथ में आया और घर से पैसा मंगाया और ये पैसा भी ट्रक वाले को देना है। घर से कर्जा में पैसा मंगाए? हाँ, घर से कब्जे में। भाड़ा नहीं देगा तो कैसे हम लोग को लेके जाए? कितना एक आदमी कितना कितना दे रहे हो? एक आदमी पाँच पाँच हजार करके लिया। पाँच पाँच हजार एक आदमी का। एक ट्रक में कितने लोग बैठे हो? पचास है। पचास लोग एक ट्रक में बैठे हो, पाँच हजार रूपए और बम्बई से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अच्छा, तो सरकार मदद नहीं की क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तो और भी परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं? हाँ, पुलिस पकड़ रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे, ट्रेन बराबर नहीं दे रहे, तो कैसा चलेगा? परेशान हो रहा हूँ ना हम लोग। तो पश्चिम बंगाल में तो ये है कि ममता बनर्जी ने बोला है कि हमारे जो मजदूर फंसे उनके लिए हम बस भेज रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं। मुंबई में हर दिन बोले तो जब भी सही था, एक दिन में सात आठ ट्रेन आता है मुंबई से। अभी सात आठ ट्रेन दे रहे जब भी सब सही सलामत था उस टाइम, अभी एक दिन में एक ट्रेन दे रहे तो इतना आदमी कहाँ से आएगा? अच्छा, तो आप लोग अपने से बुक किए? हाँ। तो जांच वाँच हो रही है बीच रास्ते में कहीं पे? जाँच हो रही है। किसी को बुखार उखार तो नहीं? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग मेडिकल करके आया, मेडिकल करके आया, मेडिकल करके आया, एकदम ठीक है अभी सेहत। मेडिकल करके आया, हम लोग चेक करके आया। तो ये देख सकते हैं कि ऐसे ही जो है तमाम ट्रकों में ये लोग बैठकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और इन लोगों को जो है मुंबई से कोलकाता जाना है। तो ये अभी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और आगे का सफ़र ये तय करेंगे। लेकिन देखिए विडंबना देखिए कि मजदूरों के नाम पर लगातार सियासत होती रहती है, मजदूरों के नाम पर राजनीति होती रहती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां मजदूरों के नाम पर सियासत करती है लेकिन मजदूरों की असली तस्वीर यही है कि मजदूर लगातार परेशान है और मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं। सरकार इनके लिए कुछ मदद करेगी, इसीलिए इन मजदूरों ने पाँच पाँच हज़ार रुपये इकट्ठे किए और मुंबई से कोलकाता के सफ़र पर इस ट्रक में चल दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज़ 24।